हेलो एवरीवन, क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 4 माटी वाली। बेटा, अब तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा कि किस तरीके से माटी वाली एक छोटे कद की एक महिला थी, ठीक है, टिहरी शहर में माटा खाना से माटी लाकर घर घर जाकर माटी दिया करती थी और उसी से वो अपना गुजारा चलाती थी, ठीक है। और टिहरी में सभी लोग उस माटी वाली को जानते थे और माटी वाली भी हर घर को अच्छे से जानती थी, क्योंकि माटी वाली ही एक अकेली महिला थी और माटी हर किसी की ज़रूरत थी चूल्हा चौका लीपने के लिए, ठीक है। तो माटी वाली जिस घर में मिट्टी डालने जाती, लोग उसे खाने के लिए रोटी देते, कोई कुछ देता, उसी से वो अपना गुजारा चलाती थी। तो एक दिन एक घर में एक महिला से वो ठकुराइन से बातचीत करती है, पूर्वजों के पुरखों को लेकर बातचीत चल रही है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को लोग आजकल हराम के भाव बेच देते हैं। लेकिन वो ठकुराइन बोलती है, मेरा दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि उस मालकिन ने माटी वाली को पीतल के एक गिलास में चाय दी। जब वो पीतल का गिलास देखकर उसे ऐसा लगता है कि आजकल तो हर घर में कांच और स्टील के बर्तन, लेकिन तुमने अभी तक इसे संभाल कर रखा है। और मालकिन का ये जवाब कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता, ठीक है। मालकिन ने पुराने गिलास के बारे में माटी वाली को बताया, ठीक है, कि हमारे पूर्वजों ने किन किन कितना कष्ट पाकर, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को त्याग कर आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदा होगा, ठीक है। पूर्वजों से प्राप्त जमीन जायदाद धन संपत्ति और सभी चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, विरासत। और हम विरासत में मिली इन वस्तुओं को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते। पुरखों से प्राप्त की चीज़ यूँ तो विरासत में पूर्वजों से रूप रंग गुण अवगुण पसंद नापसंद आयु भी प्राप्त होती है। कुछ बीमारियां भी व्यक्ति को विरासत में ही मिला करती हैं, परंतु इस कथन में पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति से है, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूर्वजों से प्राप्त, पूर्वजों से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन यहाँ जो बात की गई है बेटा वो सिर्फ संपत्ति से की गई है। ये संपत्ति पूर्वजों ने अपनी कठिनाइयाँ झेलकर अपनी आमदनी से धन बचाकर खरीदी हैं। उनको सुरक्षित रखना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, बर्बाद करना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अगली पीढ़ी अर्थात हमें हमारी संतान तक पहुंचाने का काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर तथा जीवन पर कोई संकट आने पर हमें विरासत में मिली वस्तुओं को बेचना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं, चाहे वो पूर्वजों की ज़मीन जायदाद है चाहे कोई और वस्तु है। तो ये मालकिन और माटी वाली के बीच वार्तालाप होती है, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। किसके खरीदार, पीतल के बर्तनों के, ठीक है। लेकिन ठकुराइन क्या जवाब देती है कि इतनी लंबी बात नहीं सोचो, बाकी लोग अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, भांडे मीन्स बर्तन, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है, मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ। अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, कौन कह रही है, ठकुराइन। तो माटी वाली उसे क्या कह रही है, ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। जैसे कि बेटा आपको मैंने ये बताया कि ये जो कहानी है, ठीक है, ये किस पर आधारित है कि टिहरी बांध बनना है। अब बांध बनने की वजह से लोगों के विस्थापन की समस्या को पर आधारित ये कहानी है। अब
कुछ बच्चे ये सोचेंगे विस्थापन का अर्थ क्या होता है। मैडम बार बार हमें बता रही है विस्थापन, विस्थापन होता है बेटा अपने स्थापित स्थान, बने बनाए घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना, वो क्या कहलाता है विस्थापन। कई बार एग्जाम में विस्थापन विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए, ऐसा टॉपिक भी अनुच्छेद का आ जाता है। ठीक है, विस्थापन होता है अपने अपने स्थापित स्थान को, जहाँ आप रह रहे हो, बने बनाए घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर रहना। विस्थापन के कारण है, पहला कारण प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और दूसरा मानवकृत। प्राकृतिक में तो विनाशकारी परिवर्तन होने से मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे कभी कभी नदियों में भयानक बाढ़ आ जाए, भूकंप, तूफान आदि, इनके कारण लोगों की बस्तियां उजड़ जाती हैं, वहाँ के निवासियों का सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति को वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है, कुछ समय बाद उसी स्थान पर फिर से बस जाते हैं लोग। और मानवकृत विस्थापन में गलत राजनीतिक निर्णय कारक बनते हैं। ठीक है, जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है, पाकिस्तान के देश का बनता इनका ज्वलंत उदाहरण है। लाखों करोड़ों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत पलायन करने को मजबूर हुए। तो ये कुछ मानवकृत कारण भी होते हैं। ये आपको समझ आएगा विस्थापन क्या है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, माटीवाल ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक हैं, कौन कह रही है, माटी वाली किसे कह रही है, ठकुराइन से, कि जिनके पास जमीन जायदाद है अर्थात वो तो कहीं भी जाकर रह लेंगे, हमारा क्या होगा, हमारी तरफ तो देखने वाला कोई नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी लाने के आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में लपेट लिया, ठीक है, बांध लिया। फिर सोच रही है लोग जाने तो जाने, भले ही कोई कुछ भी सोचता रहे, वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुड्ढा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही उसे तीन रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का, साथ में ऐसा भी बोल देगा, साग तो कुछ है नहीं अभी। और जब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी के भोजन मीठा। देखिए बेटा, इसमें बार बार आया भूख मीठी या भोजन मीठा, इससे क्या तात्पर्य है। देखिए, इस बात का अर्थ है कि इस कहानी में दो जगह इसका प्रयोग हुआ, भूख मीठी या भोजन मीठा। अर्थात पहली बार जब माटी वाली एक स्त्री द्वारा दी गई रोटी को चाय के साथ गटक रही थी, तो कोई ताजी या बासी सब्जी रोटी के साथ नहीं मिलने पर जैसे उसे मालकिन ने कहा कि सब्जी तो कोई है नहीं, तो उसने क्या जवाब दिया कि भूख मीठी या भोजन मीठा। दूसरे स्थान पर इसका प्रयोग तब हुआ जब माटी वाली अपने ग्राहकों से मिली रोटियों को कपड़े में लपेटकर अपने घर लौट रही है। ठीक है, वह सोच रही है कि उसका बीमार अशक्त बुड्ढा रोटियां देखकर प्रसन्न हो जाएगा। वह बताएगी कि साग तो नहीं है, तो वह कहेगा भूख मीठी की भोजन। यहाँ भी आश्चर्य यही है कि भूख में भोजन की आवश्यकता अधिक होती है, वह बासी और ख़राब होने पर भी स्वादिष्ट लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है, भूख में किवाड़ भी पापड़ लगते हैं। इसका आशय है कि भूखे व्यक्ति को ताजी बासी हर तरह का खाना अच्छा लगता है और स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वह उसकी भूख मिटाकर उसे शांति और संतोष देता है।
यही आशय पुस्तक में आए कथन का भी है, भूख मीठी के भोजन मीठा। अर्थात जब व्यक्ति को भूख लगती है तो ये नहीं देखा जाता कि भोजन कैसा है, उस समय तो ये रहता है जो भी मिल गया उसे खा लो। इस बात के लिए इस बात को कहा गया है बेटा कि भूख मीठी या भोजन मीठा। ठीक है, उसका चेहरा खुल उठेगा, खिल उठेगा। चेहरा खिल उठना प्रसन्न होना। ठीक है, साथ में ऐसा भी बोल देगा, बोल दूंगी कि साग तो है नहीं। उसका गांव शहर से कि इतना पास भी नहीं कि कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में एक घंटा तो लग जाता है। देखिए माटी वाली माटा खाना के पास, माटी वाली की एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में वो दोनों रहते हैं और माटा खाना से माटी लाकर घर घर बेचती है। और वो माटा खाना उससे चाहे घर से शहर एक घंटे की दूरी पर है, रोज़ सुबह निकल जाती है और अपने घर से पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने फिर विभिन्न स्थानों में फैलाने स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। ठीक है, वो जिस झोपड़ी में रहती है वो भी ठाकुर की ही ज़मीन है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में तो उस ठाकुर ने उन्हें अपनी ज़मीन पर एक झोपड़ी बनाकर रहने की अनुमति दे रखी है। तो उसकी एवज में भी उसे भले आदमी के घर, ठीक है, घर माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती थी। अर्थात ये कई काम उसके घर पे जाकर किया करती थी। कौन? माटी वाली नहीं। आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। अब माटी वाली का जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि उसे अपने घर जाने में क्या समय लग जाता था, पूरा एक घंटा। और जो माटी वाली का पति था बुजुर्ग व्यक्ति था वो बीमार था। ठीक है, अब माटी वाली को रहने के लिए जो इन्हें देखिए इनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय थी, कितनी गरीब थे ये लोग, किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। माटी वाली को रहने के लिए एक झोपड़ी भी एक जमींदार ने अपनी खेत में बनाने के लिए दी हुई थी। ठीक है, उसके एवज में माटी वाली को बहुत से काम उनके घर पे जाकर करने पड़ते थे। किसके घर जाकर? उस जमींदार साहब के घर जाकर। तो देखिए अब ये जब विस्थापन की समस्या आई, ठीक है, विस्थापन किया गया लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, टीरी बांध पुनर्वास के सामने घर ने घर आकर उनसे उसके निवास का प्रमाण पत्र मांगा क्योंकि वहाँ पर बांध बनना था। ठीक है, तो माटी वाली से पूछा गया कि उसकी वहाँ पे झोपड़ी थी, झोपड़ी है तो मतलब ये जगह इनकी अपनी होगी। तो उसने कहा कि उसका जीवन तो लोगों को मिट्टी पहुँचाते ही बीत गया। तब उसने तो अपना पूरा जीवन, वह माटा खाना से मिट्टी लाती है और हर घर में उसे मिट्टी जाकर देनी होती है। अगर माटा खाना उसके नाम चढ़ी है तो वह उसका नाम लिख देंगे। माटी वाली ने बताया कि माटा खाना उसके नाम नहीं, ना तो माटा खाना उसके नाम है ना ही वह जहाँ रहते हैं वो जगह। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि वो ज़मीन उन्हें वापस लेनी पड़ती है, ज़मीन के क्योंकि उन्हें ज़मीन के कागज़ चाहिए होते हैं। ठीक है, बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी? जब यहाँ टीरी बांध बन जाएगा तो इन्हें तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो सोचो माटी वाली की स्थिति कितनी दयनीय हो गई। तो ये बताया गया कि बेटा कि कितना आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा किसे? उस माटी वाली को। और उसका जो बूढ़ा था वो व्यक्ति भी, वो भी क्या था? बहुत ज़्यादा बीमार। अब देखिए ऐसे में क्या होगा, बेघर माटी वाली टीरी बांध की दो सुरंगें बंद होते ही शहर में पानी भरने लगा। अब शहर के लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। ठीक है, पानी भरने से सबसे पहले कुल शमशान घाट पानी में डूब गए। पानी माटी वाली अपनी झोपड़ी के सामने बैठी रही। ठीक है, अब वो गांव में आने जाने वाले लोगों को देख रही थी।
ठीक है, और वो क्या सोच रहे हैं कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात गरीब आदमी जहाँ रह रहा है वो जगह उससे उसकी नहीं उजड़नी चाहिए। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाऊँगी, इससे आगे हम कल करेंगे। जितना आपको पढ़ाया है उसे आप बुक से पूरे चैप्टर को रीड कर लेना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, और डेली का वर्कअप डेली करें, ठीक है। थैंक यू।